हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 16 करेंगे मैथमेटिक्स की क्लास 8 की। तो इसमें हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। लुक एट दिस डेसिमल नंबर, इंटीजरल नंबर एंड डेसिमल नंबर। तो आपको एक नंबर दिया गया 45.86। तो ये क्या है? ये एक डेसिमल नंबर है। 45 इसका इंटीजर पार्ट है जो कि होल है, और 0.86 इसका डेसिमल पार्ट है। सो लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल इंटीजरल है और राइट साइड डेसिमल है। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर को स्क्वायर रूट फाइंड करने के तरीके। मेक पेयर ऑफ इंटीजरल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट सेपरेटली। इनको सेपरेट करके करें। मेकिंग पेयर स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल फॉर इंटीजरल एज वेल एज डेसिमल पार्ट। तो पेयर बना के इसे सॉल्व करें। पुट बार ऑन द पेयर फॉर कन्वीनियंस। अपनी आप जल्दी कर सके उसके लिए बार पर बार लगा दें उसके लिए। और ना फाइंड द स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट निकालें। अब एक्सप्रेस करेंगे 48.876। तो फर्स्ट एक इंटीजरल पार्ट लेंगे 4.55 कुछ भी। अब स्टार्ट करेंगे पेयरिंग 45 की यूनिट प्लेस से। जब ये हो जाएगा तो डेसिमल प्लेट चेक करेंगे और वहाँ पेयर बना लेंगे। अब यहाँ तीन नंबर है तो जीरो लगा के पेयर बन जाएंगे। तो एक पेयर 45 का बन गया, देन 87 का और देन 60 का। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। 2.7225 का कैसे निकालें? तो यहाँ पे पेयर बने, एक इसका पेयर एक इसका पेयर। टू तो खुद ही सॉल्व हो जाएगा। वन से करना है तो सबसे पहले वन को करेंगे टू से, तो यहाँ वन आ जाएगा और ऊपर वन लिख दिया जाएगा और यहाँ रिमाइंडर में भी वन आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो यहाँ टू आ जाएगा। अब टू में तो ऐसा लगाना है नंबर जो यहाँ भी लगे और वो भी। तो 172 किससे होगा? 26 × 6। जो नंबर आपने लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए उसे टू के साथ भी लगाएंगे। तो 26 × 6 करेंगे तो 6 और 1 क्या आएगा? 156 आ जाएगा। तो जब अब 156 आ जाएगा तो इससे हम करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? 16। अब 25 नीचे हो गया, 16 × 25 हो गया। तो यहाँ हमने क्या किया? यहाँ हमने 26 और 6 था तो हमने इसको प्लस किया। 26 + 6 325 हो जाएगा। 3 आएगा यहाँ, 32 हो गया। तो ये गलत दे रखा है, 3 यहाँ आ जाएगा। अब 5 और लेंगे, 325 × 5 करेंगे तो 1625 आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो रूट 2.7225 किसके इक्वल है? 1.652 के। तो आगे करते हैं स्क्वायर रूट 0.9 का 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो मेक द पेयर नंबर, पेयर बनाए, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। अब 5 जीरोज हमने लगा रखी हैं तो सॉल्व करते हैं। 0.9, तो 0.9 को सॉल्व करेंगे 9 से, तो ये हमारा 90 हो जाएगा। तो 90 से हम कर लेंगे तो 81 आ जाएगा, ये हट जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 9। अब आगे क्या करेंगे? एक जीरो उतार लेंगे तो 184 से करेंगे। इसी तरह से आप करेंगे प्लस करते करते, तो आपका आंसर आएगा रूट 0.9 इक्वल टू 0.0948। अब आगे बढ़ते हैं। अब फाइंड आउट करना है इनका स्क्वायर। तो 23 पर 4, 4, 5, 3 का निकाल लेंगे। इसी तरह से सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जैसे कि हमने दिखाया हुआ है। तो एक बार हम 4 समझेंगे। 456.123000 को डिव करना है तो यहाँ पहले 2 से हो जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, पूरा सॉल्व हो जाएगा। 2 + 2 = 4 आ गया। अब आगे 56 आ गया इधर तो 41 × 41, तो यहाँ पे 15 बच जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे 42, तो अब यहाँ 15 आ गया और नीचे 12 आ गया, 1512। तो 4 × 23 से करेंगे तो 1269 आ जाएगा और यहाँ 4 × 6 आ जाएगा इनको प्लस करके, और 5 हो जाएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 × 6 = 0 आ जाएगा और 7 लग के
सोल्व होगा और हमारे रिमाइंडर बचेगा 2251। तो 3 डेसिमल प्लेस तक हमने निकाल लिया, 21.357। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।